आप एक कंट्री में घूमने के लिए जाते हैं और वहां पे रोड पे निकलने में आपको दिखता है कि आधे लोग बेली एक 50-60 हज़ार रुपए की मोटरसाइकिल चला रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कि लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं जो कि 8 करोड़ की है वहां पे। कुछ लोगों को बेली एक जॉब मिल पा रही है और कुछ लोग अमेरिका से फोर्ड रैप्टर या फिर यूके से लैम्बोर्गिनी यूरस को इम्पोर्ट करके चला रहे हैं। और ये देश कोई और नहीं है, हमारा नेबरिंग पाकिस्तान है, जहाँ की कार इंडस्ट्री का इतना बुरा हाल हो गया है कि एक फॉर्च्यूनर का प्राइस 2 करोड़ PKR का पहुंच गया और तब भी इस गाड़ी के लिए आपको वहां पे 9 महीने वेट करना पड़ता है। और कुछ लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही और ये पिछले 3-4 सालों में ही हुआ इनके साथ। में कारों की कीमत भारत से ज्यादा की। हम कहते हैं कि इंडिया से 100 साल पीछे हैं, मैं कह रहा हूं कि हम 700 साल पीछे हैं हमसे। 700 साल मतलब। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ा कोई स्कैंडल नहीं होगा जिस कदर इन्होंने लूटमार की है, अगर इनका एहतसाब आप कर ले। जिसमें अगर हम 1953 में चले तो पाकिस्तान की नेशनल मोटर और अमेरिका की जनरल मोटर ने मिलकर एक फैक्ट्री को सेटअप किया था पाकिस्तान में लोकली ट्रक्स को असेंबल करने के लिए और पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इसी साल फिर फोर्ड ट्रक्स और अली ऑटोमोबाइल्स ने कोलैबोरेट किया था पाकिस्तान में लोकली ट्रक्स को असेंबल करने के लिए। और 1961 तक आते आते अल्विन प्रेसिजन पार्ट्स ने अपनी फैक्ट्री को सेटअप किया था पाकिस्तान में बढ़िया बढ़िया कार पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। पर फिर 1970s तक आते आते पाकिस्तान की सरकार ने ये सारी ऑटोमोटिव कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन को सेटअप कर दिया देखने के लिए कि ये जो सारे कार मेकर है क्या हमारी जनता के हित में काम कर रहे हैं और बढ़िया बढ़िया कार्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हित भाई मुझे पता नहीं इंडियन वर्ड है या फिर पाकिस्तानी वर्ड है, मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। पर इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने के बाद पाकिस्तान की सरकार को समझ आ गया इससे हम ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री 20 साल बाद भी वही थी, कोई भी बाहर का ब्रांड आया नहीं था पाकिस्तान में लोकली अपनी कार्स को बनाने के लिए। इसलिए 1990 में पाकिस्तान की सरकार ने लिबरलाइजेशन को फॉलो करा, अपने ट्रेड बैरियर्स को खोल दिया और बाहर के कार मेकर्स को इन्वाइट करा पाकिस्तान में लोकली अपनी कार्स को बनाने के लिए। तो इसलिए 3 मेजर बड़े जापानीज कार मेकर टोयोटा, होंडा, सुजुकी पाकिस्तान में अपने पैर को रखते हैं। टोयोटा अपनी करोला को लॉन्च करते हैं, होंडा अपनी सिविक को लॉन्च करते हैं, सुजुकी अपनी अफोर्डेबल कार्स को लॉन्च करते हैं बढ़िया बढ़िया पाकिस्तानी लोगों को सपोर्ट करने के लिए। और पाकिस्तान की एक अफजल मोटर्स होती है जो कि डेवू ट्रक्स को लेकर पाकिस्तान में लोकली असेंबल करती है। और डेवू ट्रक्स अगर आप देखें टेक्निकली टाटा मोटर्स का है, तो टेक्निकली टाटा मोटर्स के ट्रक पाकिस्तान में लोकली असेंबल हो रहे हैं और वहां पे बिक रहे हैं। टाटा मोटर इज वेरी गुड। आने वाले सालों में पाकिस्तानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री काफी बढ़िया ग्रो होती है और 2007 तक आते आते जो ओवरऑल GDP है उसका 2.8% हिस्सा सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आता है। पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 10% पर एनम के रेट पे ग्रो कर रही होती है और 2016 तक आते आते पाकिस्तानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 2.5 लाख गाड़ियां साल पे पहुंच जाती है। पर दिक्कत क्या होती है कि इन 2.5 लाख गाड़ियों में से ऑलमोस्ट 2,30,000 गाड़ियां सिर्फ 3 बड़े मेजर जापानीज कार मेकर टोयोटा, होंडा और सुजुकी की होती है, बाकी कोई और कार मेकर को कोई पूछता नहीं है। और ये भी सारे जापानीज कार मेकर अपनी एक जनरेशन पुरानी गाड़ियों को पाकिस्तान में बेच रहे होते हैं, वो भी CKD के फॉर्म में, मतलब पाकिस्तान में लोकली बना नहीं रहे, बस इंपोर्ट करके असेंबल करके पाकिस्तान में सप्लाई कर रहे हैं और ऑलमोस्ट डबल प्राइस में बेच रहे होते हैं एज कम्पेयर टू बाहर की मार्केट। तो इसलिए थोड़े कॉम्पिटिशन को इम्प्रूव करने के लिए और थोड़ी और डाइवर्सिटी को लाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तानी ऑटो पॉलिसी को लॉन्च करा जिसमें गाड़ियों के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी को ऑलमोस्ट आधा कर दिया। साथ में कोई भी कार मेकर अगर पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री को सेटअप करता है तो कोई भी जो वो मशीनरी लाएंगे उस पे 0% इंपोर्ट ड्यूटी कर दी। कोई भी कार मेकर अगर पाकिस्तान में लोकली अपनी कार्स को बनाता है और बेचता है और उसके बाद प्रॉफिट कमाता है उसे भाई कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वो बढ़िया ऐसे प्रॉफिट कमा सकता है बिना कोई टैक्स पे करे। साथ में इंपोर्टेड कार्स पे ऑलमोस्ट 10% से एक्साइज ड्यूटी कम कर दी ताकि थोड़ा और इंसेंटिव मिले लोगों को थोड़ी और नई नई कार्स लेने का। और जैसे पाकिस्तान ने ये वाली पॉलिसी बनाई तो ऑलमोस्ट 12 डिफरेंट कार मेकर इंटरेस्टेड हो गए पाकिस्तान में अपनी कार्स को लॉन्च करने के लिए। रेनॉल्ट के प्लान से $230 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में किया $190 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले थे, Hyundai $163 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले थे और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कार मेकर्स थे जो कि पाकिस्तान में आके और अपनी कार्स को बेचना चाहते थे। पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि 4 साल बाद भी सिर्फ 2 ही कार मेकर आ पाए, Hyundai और किया। Hyundai ने सबसे पहले अपने Tucson को लॉन्च करा पाकिस्तान में बेस मॉडल अराउंड 48 लाख PKR के प्राइस में, जो कि अगर आप उस टाइम के हिसाब से देखें तो इंडिया में अराउंड 24-25 लाख रुपए पड़ता है, तो ठीक ही है इंडिया में भी इतना प्राइस है। और वही किया ने अपनी स्पोर्टाज को लॉन्च करा अराउंड 70 लाख PKR के प्राइस में, जो कि अगर हम इंडिया में देखें तो अराउंड 30-35 लाख रुपए पहुंचता है, थोड़ा महंगा ही है चलो कोई बात नहीं। और हाँ आप नोटिस कर रहे होंगे मेरे चश्मे में बिल्कुल भी ऐसे रिफ्लेक्शन नहीं आ रही जैसे पहले आती थी, इसे ब्लू क्योंकि मैंने अपग्रेड कर लिया लेंसकार्ट की हसलर सीरीज में, जो कि सर मैं नहीं लेंसकार्ट के सीईओ मिस्टर पीयूष बंसल ने भी पहना हुआ है शार्क टैंक इंडिया में, तो दो बड़े बड़े लोगों ने पहन लिया है और सही में भाई काफी ऐसे कंफर्टेबल है और स्टडीज है। ये वाली सीरीज आपको 11 डिफरेंट कलर ऑप्शन में मिलती है, साथ में पावर्ड प्लस नॉन पावर्ड लेंसेज के साथ मिलती है। मैंने पावर्ड लेंसेज लिए जिनमें आपको सुपर अल्ट्रा ब्लू रे प्रोटेक्शन मिलती है, जिससे क्योंकि मैं स्क्रीन के आगे पूरा दिन बैठा रहता हूं तो इसलिए मेरी आंखें खराब नहीं होने वाली और एकदम प्रोटेक्ट कर लेंगे मेरी आंखों को स्क्रीन की डेंजरस ब्लू लाइट से। और साथ ही में जो मेरा पिछला चश्मा
अराउंड 3000 रुपए का था, ये वाला चश्मा 999 रुपीज का और उससे ज्यादा कंफर्टेबल और क्लियर है। और आप भी ले सकते हैं ये वाली हसलर सीरीज, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आप अपने पास के लेंस कार्ड स्टोर में जाके ले सकते हैं, फ्री आई चेकअप भी करा सकते हैं। तो जाओ जाके एक हसलर सीरीज का चश्मा लो और खुद भी एक हसलर बन जाओ। पर इससे भी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ओवरऑल जो तीन बड़े जापानीज कार मेकर है उनका पाकिस्तानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में 90% से भी ज्यादा हिस्सा हो गया, लोग और ज्यादा उनकी कार्स ले रहे थे। पर डिफरेंस इसके बाद आना शुरू होता है जिसमें 2016 में चाइना और पाकिस्तान मिलके एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इनॉग्रेट करते हैं, जिसमें चाइना ऑलमोस्ट $50 बिलियन इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में और पाकिस्तान को लूट लेगा, अपना सारा गंदा गंदा माल बेचेगा पाकिस्तान में। बढ़िया पाकिस्तानियों को लग रहा था उस टाइम कि वाओ चाइना इज वेरी गुड, दे आर इन्वेस्टिंग सो मच मनी इन अस, उन्हें क्या पता भाई पूरे लूटने के उनके इंटेंशन थे। और इसलिए जब चाइना ने ये वाला अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर को इंट्रोड्यूस किया तो चाइना के 10 घटिया कार मेकर ने बोल दिया कि हम पाकिस्तान में अपनी कार्स को बेचेंगे। और इंडिया में अगर आप देखिए जो चाइनीज कार मेकर एकदम लेवल वाले आते हैं ना, फॉर एग्जांपल BYD या फिर MG या फिर हवाल वगैरह, जो कि चाइना में भी काफी बढ़िया बिकते हैं, जो कार मेकर पाकिस्तान में जाने वाले थे ना, लिटरली वो वाले थे जो कि चाइना खुद में नहीं बिकते, फॉर एग्जांपल जेंगपाई, जॉयलोंग, लाइफान, BAIC, चंगन। तो भाई लिटरली ये जो कार्स है ना सारी, ये जो सारे कार मेकर है चाइना में भी इन्हें कोई नहीं पूछता, ये पाकिस्तान में अपनी गाड़ियों को बेचने चाहते थे। पर इनमें से भी सिर्फ दो ही आए पाए, जिसमें सबसे पहले चंगन ने अपनी अल्सफिन को लॉन्च करा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में एक नॉर्मल सेडान में और हैचबैक में काफी बड़ा प्राइस डिफरेंस था, तो इसलिए अल्सफिन बनी थी वो प्राइस डिफरेंस को कम करने के लिए और बढ़िया पाकिस्तानियों को एक सेडान का मजा देने के लिए। और अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले पाकिस्तान की सबसे सस्ती सेडान होंडा सिटी थी, वो उधर अराउंड उस टाइम में 30 लाख PKR की थी, अगर आप इंडिया में देखें तो 13 लाख रुपए की थी। तो भाई पाकिस्तान में कोई ऐसी छोटी मोटी सेडान नहीं है जैसे इंडिया में आती है ना, होंडा अमेज या फिर टाटा टिगोर वगैरह, पाकिस्तान में कोई नहीं आती भाई। हम इंडिया वाले लकी है भाई, हमारे पास इतनी बढ़िया डाइवर्सिटी है, हर एक बंदा गाड़ी ले सकता है। इसके बाद फिर BAIC ने अपनी BJ40 लॉन्च करी अराउंड 40 लाख PKR के प्राइस में, जो कि एक ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड जीप नॉक ऑफ था। और ऐसा करते करते फिर फिस्कल ईयर 2021 में पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डबल हो गई थी एज कम्पेयर टू पिछला साल, और काफी लोग एंजॉय कर रहे थे बढ़िया बढ़िया कार्स को, और एक सिंगल महीने में उनकी 25,000 गाड़ियां बिकी थी जो कि आज तक का रिकॉर्ड था। पर दोस्तों इसके बाद ही 2022 में दिक्कतें आना शुरू होती है, जिसमें क्रूड ऑयल का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जो भी कंट्रीज के ऊपर काफी ज्यादा डेट था उन्हें और मुश्किलें होने लग जाती है, उनके फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीट होने लग जाते हैं। और पाकिस्तान सबसे बड़े हिट में से था, इनकी करेंसी की वैल्यू ऑलमोस्ट 40% से कम हो गई 6 महीने के अंदर अंदर, जो चीज वहां पे 1 रुपए की इंपोर्ट हो रही थी अब ऑलमोस्ट 2 रुपए की पड़ रही थी, जो BAIC BJ40 एक साल पहले 40 लाख PKR की वहां पे लॉन्च हुई थी अब वो 80 लाख PKR के प्राइस में बिक रही थी वहां पे, लिटरली लोग परेशान हो गए थे। और अपने फॉरेक्स रिजर्व को थोड़े और बचाने के लिए पाकिस्तान में जो इंपोर्ट ड्यूटी है कार्स पे 10% से इंक्रीज करके 100% पे बढ़ा दी थी, ताकि लोग कम बाहर से गाड़ियों को इंपोर्ट करें और उनके फॉरेक्स रिजर्व थोड़े और कम डिप्लीट हो, और इससे करने से गाड़ियों के प्राइस ट्रिपल हो गए। लैंड क्रूजर 15 करोड़ के प्राइस में पहुंच गई, लिटरली 15 करोड़ की लैंड क्रूजर मतलब PKR में, इंडिया में अगर आप देखें तो उसका आप 1/3 कर लो, अराउंड 5 करोड़ की फिर भी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा महंगी है। पर फिर भी अगर आप देखिए पाकिस्तानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की मेन चीज ये नहीं है कि उनकी गाड़ियां बहुत ज्यादा महंगी है, जिसका आपको बढ़िया प्रूफ देता हूं, जिसमें अगर आप देखिए तो एक फॉर्च्यूनर के टॉप एंड मॉडल का प्राइस पाकिस्तान में 2 करोड़ PKR का है, ये GR स्पोर्ट वाला वर्जन है, इंडिया में अगर आप 2 करोड़ डाले कितना होता है तो ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए होता है इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो अगर आप देखिए वही प्राइस है जो कि इंडिया में है, इंडिया में भी GR स्पोर्ट वाला वर्जन है अराउंड 60 लाख रुपए का आता है, वही एक 2022 की टोयोटा हाइलक्स का प्राइस अराउंड 97 लाख PKR का है, तो ऑलमोस्ट 28 लाख रुपए पड़ता है। तो अगर आप देखें यूज कार का प्राइस भी उतना ही है जितना इंडिया में है, पर दिक्कत पाकिस्तानियों को 3 मेन कारणों की वजह से होती है और वो बहुत ही बड़ी दिक्कतें हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखें इंडिया में अगर आपको कोई गाड़ी बुक करानी है, मान लो आपको एक स्कॉर्पियो N बुक करानी है, तो जनरली जो बुकिंग अमाउंट है ऑलमोस्ट 1% होता है गाड़ी की वैल्यू का, अगर 25 लाख की गाड़ी है तो 25,000 रुपए बुकिंग अमाउंट होगा, कभी कभार 50,000 भी हो जाता है, लाख रुपए भी हो जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता कभी भी, भले कितनी मर्जी महंगी गाड़ी हो। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि आप जैसे मान लो 25 लाख की गाड़ी है तो आप उस पर 20 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट दे रहे हो और फिर कुछ 5-6 महीना वेट कर रहे हो उस गाड़ी के ऊपर, पाकिस्तान में लिटरली यही होता है। पाकिस्तान में या तो आपको गाड़ी का पूरा जो अमाउंट है जितने की गाड़ी है आपको इन फ्रंट देना पड़ता है, या फिर आपको आधे से ऊपर अमाउंट देना पड़ता है अपनी गाड़ी को बुक करने के लिए, और जितना आप ज्यादा अमाउंट देंगे आपको उतना जल्दी गाड़ी मिलेगी। अगर आप पूरी अमाउंट देते हैं तो आपको गाड़ी अराउंड 2 महीने में मिल सकती है, अगर आप आधी अमाउंट देते हैं तो आपको गाड़ी 5-7-9 महीने में मिलने वाली है, जितना आप अमाउंट देंगे आपको उतनी जल्दी गाड़ी मिलने वाली है। और अगर आपको गाड़ी एकदम इन फ्रंट चाहिए उसी टाइम तो आपको ऑलमोस्ट 10% ज्यादा देना
देखना पड़ता है गाड़ी की वैल्यू का। पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान में जो कार कंपनीज है उनका बहुत ही गंदा सिस्टम है। इंडिया में अगर आप देखें जनरली कोई भी अगर आप गाड़ी बुक कराते हैं, जो कार कंपनी है गाड़ी को मैन्युफैक्चर करती है, फिर आपके पास गाड़ी आती है डीलरशिप में, आप गाड़ी को चेक करते हो और फिर उस गाड़ी का बाकी का पेमेंट देके आप गाड़ी को अपने पास खरीद लेते हो। पाकिस्तान में जो कार कंपनी है कस्टमर से पूरी अमाउंट ले लेती है जितने की गाड़ी है, फिर उस अमाउंट को यूज करके वो उस गाड़ी को जापान में मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब उसके पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। उन वाले पार्ट्स को फिर वो पाकिस्तान में लोकली इंपोर्ट करते हैं, उन्हें इंपोर्ट करने के बाद फिर वो लोकली पाकिस्तान में उसे असेंबल करके फिर कस्टमर को देते हैं। तो इससे लिटरली क्या होता है कि जो कार कंपनी है उसका 0% नुकसान है, उन्हें पैसा इन फ्रंट मिल गया पूरी गाड़ी का, उस पैसे को यूज करके वो उससे इंटरेस्ट कमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो गाड़ी को 5-6 महीने बाद आराम से मैन्युफैक्चर करते हैं जापान में, पाकिस्तान में लोकली बनाती है और फिर कस्टमर को देते हैं, जिससे भाई कार कंपनी को इतना ज्यादा बड़ा मुनाफा हो गया ना। उनका कोई रिस्क है कि कस्टमर कैंसिल कर देगा गाड़ी, कैंसिल कर दो भाई हम अपनी गाड़ी रख लेंगे, वो अपनी गाड़ी को जापान में बनाता है ना, वो फैक्ट्री का रिस्क ले रहे हैं और फंस रहे हैं भाई पाकिस्तान के लोग। पर इससे बड़ी चीज क्या है कि अगर आप देखें कोई भी अगर आप गाड़ी लेते हैं जनरली फाइनेंस पे लोगे, इंडिया में जो फाइनेंस का रेट है अराउंड 8% का अगर आप देखें, जो कि काफी रीजनेबल रेट है। पाकिस्तान में अगर आपको नई गाड़ी फाइनेंस करनी है आपको देना पड़ेगा 17% का या फिर 18% का इंटरेस्ट रेट आपकी गाड़ी पे, जो कि बहुत 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 ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और इसमें मेजर चीज क्या है कि क्योंकि आपको जो गाड़ी का अमाउंट है इनफ्रंट देना पड़ता है, तो आप 8-9 महीने किस्तें भरोगे 18% के रेट में, वो आप किसी गाड़ी के लिए तो भरी नहीं रहे क्योंकि गाड़ी तो आपके पास अभी आई नहीं है, गाड़ी तो अभी आनी है ना बाद में, अभी तो आप सिर्फ हवा में ही बातें कर रहे हो, बुक कराई आपने। तो 8-9 महीने जो आप किस्तें भरोगे ऐसे भाई हवा में भरोगे, उसका कोई यूज नहीं है, 8-9 महीने बाद गाड़ी आएगी, भाई कितनी घटिया चीज है ये। और इससे गाड़ी और ज्यादा महंगी पड़ती है पाकिस्तान के लोगों को और ज्यादा मुश्किल होती है उन्हें गाड़ी खरीदने में। और अगर आप देखें क्योंकि गाड़ियों का प्राइस इतना डिफरेंस नहीं है पाकिस्तान में और इंडिया में अगर आप कंपेयर करें, पर क्योंकि वहां पे आपको इनफ्रंट इतने पैसे देने पड़ते हैं और इतना वेट करना पड़ता है, तो इसलिए जो अमीर लोग हैं वो तो जल्दी जल्दी अपनी कार्स को ले लेते हैं, जो उनसे नहीं गाड़ी लेनी है वो इंपोर्ट कर लेते हैं बिना दिक्कत के। पर वही जो एक मिडिल क्लास इंसान है वहां का, उसे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ऑब्वियसली भाई उसके पास 50 लाख पीकेआर, 1 करोड़ पीकेआर ऐसे इनफ्रंट पड़ा नहीं होगा गाड़ी खरीदने के लिए। फाइनेंस पे अगर वो लेता है तो वो 8-9 महीने उसकी किस्तें भरेगा बिना गाड़ी उसे मिले, और ये एकदम अनसॉल्वेबल सिचुएशन है। क्योंकि जब भी पाकिस्तान की सरकार ने कोशिश करी है ऐसे कुछ चेंजेस करने के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, जैसे मान लो उन्होंने ऑटोमोटिव पॉलिसी को लॉन्च किया था जिससे बाहर के कारमेकर्स आएंगे और पाकिस्तान में लोकली अपनी फैक्ट्री को सेटअप करेंगे, तो इनिशियली सबने बोला था कि उनके प्लान्स है फैक्ट्री को लोकली सेटअप करने का, पर बाद में उन्होंने देखा कि जो टोयोटा है या फिर होंडा है इतना बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे पाकिस्तान से इतने लो रिस्क पे, तो हम क्यों ही अपनी फैक्ट्री को सेटअप करें, क्यों ही एक्सपैंड करें, हम भी उसी वाली स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करके पाकिस्तानियों को लूटेंगे। और भाई पाकिस्तान की तो वैसे सरकार थोड़ी नकली है, मैं तो भाई उन्हें एडवाइस करूंगा कि जो हमारी इंडिया की कार्स है उन्हें लोकली पाकिस्तान में बेचना शुरू करो भाई, आपको जो वैल्यू टू मनी प्रोपोर्शन मिलेगा लिटरली कोई और आपको कार मेकर नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। पर आप सबका दिमाग चलने वाला है सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइब कर लेना आप सब, और लेंस कार्ड का चश्मा ले लेना जो मैंने पहना है, काफी आपको मजे आएंगे और कूल वाली फीलिंग आएगी।